और सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की। पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के बसंत विहार स्थित आवास जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है। अच्छा, हाँ एक ही गाड़ी से जाएंगे। बता दें आपको, सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार भी आ जाएंगे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। आपको बता दें कि उनके आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के बसंत विहार स्थित आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की। पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के बसंत विहार स्थित आवास जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है। और उस मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक ही गाड़ी से जाएंगे। हाँ एक ही गाड़ी से जाएंगे। हाँ एक ही गाड़ी से जाएंगे। जनरल साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं के कारण यहाँ तक जो सीख के आया हूँ, और वो मेरे आदर्श के रूप में बीच में उनको आदर्श तो बहुत है, बहुत हड़का है मैंने। तो हड़का तो वही है जो अपनापन जिसमें होता है, तो बच्चे को ही हड़काया जाता, बाकी और किसी भी जिसके अधिकार है उसको हड़काया जाता। सर आप उससे सीख ली है सर, आप कुंभ आज केवल आज महाशिवरात्रि और पहला शाही स्नान है जिसमें सभी अखाड़े हैं, तो उनका स्वागत के लिए मैं जा रहा हूँ। और मैंने ये कहा कि उनका भव्य दिव्य स्वागत हो, अभिनंदन हो और फूलों की वर्षा हो, तो हेलीकॉप्टर सारे फूलों से वर्षा करेंगे, यह व्यवस्था वहाँ भी है। और जो आने वाले हों वो सब आए, कोई रोक टोक ना हो। तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत लंबी लंबी कहानी है। जब मैं शुरू में उनका साथ साथ आए थे तो तीरथ तो उसमें मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था, ये स्कूलों जानते थे मुझे, कोई पहचानता नहीं था। तो ये है बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। फौज में आने के बाद राजनीति में आया, राजनीति का कुछ पता नहीं था, और बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, मार्गदर्शन किया, और जो मुझे मैं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है और नेतृत्व का प्रभाव पड़ता है। तीरथ सिंह अपने आप में बहुत योग्य व्यक्ति है, साथ ही साथ पूरा समय व्यक्ति, उसका पृष्ठभूमि आप देखिए, बचपन से ही जो संगठन में काम करता है और लंबे समय से जिसने, जिसके ऊपर किसी वक्त का कोई दाग नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो उसके नेतृत्व वाले भी लोग बदल करते हैं, लोग देखते हैं कि नेतृत्व कैसा है, उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा,